चेहरा फट गया, लेकिन फिर भी चदरो फट रहा था। तो चलिए मैं क्या बोलने जा रहा था, बोल दे पता ही नहीं। ठीक है, बोल देते हैं। तो चलिए मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, नाम तो आप सब नहीं जानते होंगे, सही बात है ना? ठीक है। तो हमारे एक पटना में जो है एक सर हैं जिनका नाम पूरा चल रहा है आनंद कुमार, एक हमारे क्षेत्र के सर हैं जिनका नाम पूरा चल रहा है महेश कुमार मुरारी उर्फ बाबा। ठीक है, ठीक है। अब अपना कार्यक्रम में भूल जाते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं हम स्टेट लेवल जीत के आए हैं कुछ दिन पहले। स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि बॉलीवुड एक्टर से लेकर रानू मंडल तक अगर इस मंच में सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो फिर क्या होगा? कुमार सानू जी गाते हैं, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बोली खोजना पहले नौकरी खोज लो, रोजगार है। राजकुमार जी, लालू जी के आवाज को सुनते ही राजकुमार जी कुछ ऐसे बोले, और हमको झुका सके इस जमाने में ना दम लगी, जमाना हमसे खुद है जमाने से हम नहीं, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और हमारे सर अभी एक डायलॉग बोले थे ताली वाला, और वही डायलॉग अगर आनंद मोहन जी बोलते अपने अंदाज में ऐसे बोलते थे, अरे भगवान ने थोड़े काली मुर्गी उजली हो जाए, अरे भगवान ने थोड़े काली मुर्गी उजली हो जाए, जो पीछे में आदमी बैठे हुए अगर नहीं बजा जाए उसके हाथ में खुजली हो जाए। हमारा तीर का ही है निशाना सुबह से जीत रहा है सर जी, सगी वहां से एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए, सगी प्रसाद वाला प्लेट नीचे रख दिए, खाली है सर। ठीक है सर, खा लिए। अब हमारे बच्चन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। नेहरू से डरते होता पार नहीं आते, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं जाते। कितना देर खड़ा रहे, हम भी वहीं जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम भी बैठेंगे यहाँ। अरे आप लोग
ताली बजा रहे हैं, आशीष सर पीछे जा रहे मुस्कुरा रहे हैं, वो ताली नहीं बजा रहे हैं। चलिए हम लीजिए रानू मंडल जी का आत्मा अगर अंदर आ गया तब देखिए क्या। रानू मंडल जी का आत्मा पटना के स्टेज पे भी आ गया था तो ऐसे चलिए